हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। ये हमारा 22 ट्यूटोरियल है रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसमें हम पढ़ेंगे मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास क्रिएट कर देते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो इसका नेम रखते हैं इस तरीके से, एरिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे DIF और यहाँ लिखेंगे इनिशियलाइज इस तरीके से, और इसके अंदर कुछ पैरामीटर पास करते हैं, एक W कॉमा एक हाइट, या लेंथ है विड्थ कह लीजिए, सेम बात है। एट द रेट फिर यहाँ पर लिखते हैं विड्थ, और इसे असाइन करते हैं वैल्यू डब्लू, और फिर एट द रेट फिर से, और इसमें लिखते हैं हाइट, इसको यूज़ करते हैं एच में। इस तरीके से ये हमने इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। अब इसी के अंदर हम लोग एक कहते हैं मेथड क्रिएट करते हैं, लिखते हैं डेफ, और यहाँ पर लिखते हैं फिर गेट एरिया। गेट एरिया ये मेथड क्रिएट किया हमने, अब इसको हम कुछ रिटर्न करवा देते हैं इसमें। तो यहाँ लिखेंगे रिटर्न, डबल कोटेशन में लिखेंगे, और इसमें हम लोग क्या रिटर्न करवाएंगे, एरिया रिटर्न करवा देते हैं। तो द एरिया इज हैशटैग कर्ली ब्रेसेस, और फिर एट द रेट विड्थ, और फिर इसको इनटू करते हैं हम लोग हाइट से। तो यहाँ लिखते हैं एट द रेट हाइट, इस तरीके से ये हमने एक मेथड क्रिएट कर दिया। अब देखिए एक और क्लास क्रिएट करने वाले हैं जिसमें हम इस एरिया को इनहेरिट करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं क्लास, और मैं इसको नेम दे रहा हूँ SQR स्क्वायर के लिए, और ये क्या कर रहा है, एरिया को इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया। अब इसके अंदर हमें कोई भी मेथड और कोई भी कंस्ट्रक्टर में क्रिएट नहीं करने वाला, इसे मैं सिर्फ ब्लैंक छोड़ देता हूँ अभी। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक नेम, क्या लिखते हैं OBJ ऑब्जेक्ट के लिए इज इक्वल टू, और यहाँ पर अब नेम देते हैं सबसे पहले SQR का, SQR डॉट न्यू, और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेंगे, पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। क्योंकि इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था कि अगर पेरेंट्स क्लास में, या हमारी पेरेंट क्लास होगी या हमारी चाइल्ड क्लास होगी, अगर पेरेंट क्लास में हमारा कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट है, तो हम उसे जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हो अपने चाइल्ड क्लास का, तब भी हम उस कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 10, 20 हमने इसमें पास कर दिया। अब देखिए थोड़ा स्पेस दे देता हूँ अपना को इस तरीके से, यहाँ पर लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यूज़ करेंगे पुट्स, और यहाँ पर फिर सबसे OBJ ऑब्जेक्ट का नेम लगाएंगे डॉट, और फिर गेट एरिया जो हमारे मेथड का नेम था। अब इसे रन करते हैं, तो देखिए हमें आउटपुट मिला द एरिया इज 200। अब हम पढ़ेंगे मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये स्क्वायर और एरिया थी, ये हमारी जो पेरेंट सॉरी चाइल्ड क्लास थी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे गेट एरिया नेम से, सेम नेम से बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से डेफ, वहाँ लिखेंगे गेट एरिया इस तरीके से। जब देखिए हमें अपना डिफॉल्ट जो हमारे जिससे हम इनहेरिट कर रहे हैं, लेटर सपोज़ कीजिए, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए अभी तो हमने सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर बनाया और एक मेथड बनाया है, लेकिन जब रियल लाइफ में ऐसा होगा, जब आप मेन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो उसमें आपके बहुत सारे मेथड होंगे एक क्लास के अंदर। तो आप तो कुछ कुछ मेथड को आप एक्सेस करना चाहते हैं, कुछ कुछ को नहीं करना चाहेंगे, या फिर कुछ कुछ को आप चेंज करना चाहेंगे। तो देखिए अभी एरिया है, एरिया के अंदर कुछ मेथड्स होंगे। तो देखिए हर किसी का एरिया अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होता है, सर्किल का अलग तरीके से होता है, स्क्वायर का अलग तरीके से होता है, रेक्टेंगल का अलग तरीके से होता है, तो अलग अलग तरीके से होता है। इसको आप ये नहीं चाहेंगे कि जिस तरह से सर्किल का एरिया कैलकुलेट हो रहा है, उसी तरह से स्क्वायर का भी एरिया कैलकुलेट हो, तब हम ओवरराइडिंग मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम सेम नेम से मेथड बना रहे हैं गेट एरिया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे कोई डिफरेंट चीज़। तो यहाँ लिखते हैं रिटर्न द एरिया ऑफ SQR स्क्वायर इज, और यहाँ पर फिर से हैशटैग कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं अपना, या फिर यहाँ पर लिखता हूँ मैं विड्थ इंटू एट द रेट हाइट इस तरीके से। और थोड़ा चेंज करने के लिए मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, ताकि थोड़ा डिफरेंट आए हमारा आउटपुट। अब देखिए हमें क्या करना है, ये हमने कर दिया है सिंपल। अब देखिए इसे रन करते हैं एक बार, तो आप देखेंगे द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 400। क्योंकि देखिए जब यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ 10 और 20, तब तो विड्थ और हाइट की वैल्यू हमारी सेट होगी 10 और 20। उसके बाद जब हमने यहाँ पर देखिए पुट्स ऑब्जेक्ट गेट एरिया किया, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इसको चेक करेगा कि स्क्वायर में जो हमारा स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई एरिया है या नहीं, गेट एरिया नेम का फंक मेथड है या नहीं। अगर होगा तो वो इसको प्रिंट कर देगा। अगर जब नहीं होगा इस केस में, जब इससे पहले वाले में इस केस में नहीं था, तो वो क्या कर रहा था, इसे पता था कि इसने एरिया को इनहेरिट किया है, तो इन एरिया को चेक करेगा कि एरिया क्लास में कोई इस तरह से गेट एरिया मेथड बना हुआ है या नहीं। तो बना हुआ था तो हमें मिल गया आउटपुट।
और जब इसमें बना होगा तो इसमें मिल जाएगा। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो पेरेंट है, पेरेंट क्लास है, उसका मेथड भी आप एक्सेस करना चाहते हैं, इसको भी आप एक्सेस करना चाहते हैं, इसका आउटपुट भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ आपको एक कोड लिखना होगा। वो देखिए वो कोड क्या है, अगर हम देखें पुट गेट एरिया हमारा जो मेथड है, इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले पुट, क्योंकि देखिए इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, तो इसके अंदर लिख रहा हूँ मैं। अगर किसी और का ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो किसी और के अंदर लिखता, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं पुट्स, और यहाँ लिखूंगा मुझे सिर्फ लिखना पड़ेगा सुपर, ये हमारा सुपर मेथड है। तो देखिए आप इस तरीके से इसे कॉल करेंगे तो यहाँ पर ये भी हमारा कॉल हो जाएगा, और पुट्स लगाए ताकि इसका आउटपुट जनरेट हो। तो इसे भी रन करते हैं, देखिए इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए द एरिया ऑफ स्क्वायर, द एरिया इज 200, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 400। तो ये था आपका मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट में कमेंट कीजिए, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।